नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एक बहुत बड़ी खुशखबरी जो उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड ने यहाँ पे दी है वो यूपीएसआई 9534 जो पद थे उसके लिए फाइनल रिजल्ट, अंतिम जो परिणाम है वो जारी कर दिया है। मतलब अब जितने भी बच्चे हैं जो यहाँ पे सेलेक्टेड है वो कहीं ना कहीं बधाई के बहुत पात्र हैं। सभी को बहुत बहुत बधाई। जितने भी बच्चे सेलेक्टेड हुए हैं वो बोर्ड की वेबसाइट पे जाके अभी अपना रिजल्ट देख सकते हैं। जिनका चयन किसी कारणवश नहीं हुआ है उन्हें निराश होने की जरूरत नहीं है। बहुत सारी वैकेंसीज अभी आपके सामने फिर से उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड ला रहा है, तो अभी से उसके लिए लग जाइए। हालांकि मैं इसका डिटेल आपको दे दे रहा हूँ। सबसे अच्छी बात है कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड 24/7 कार्य करने वाला बोर्ड हो गया है। वो संडे नहीं देखता है, वो ये नहीं देखता है कि रात के 10 बज रहे 11 बज रहे रिजल्ट जारी कर देता है आपका। ऐसे एएसआई वाले में हुआ था, एसआई का भी संडे को भी इन्होंने रिजल्ट जारी कर दिया। उसके पीछे भी कई सारे कारण हैं, हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि टोटल 9534 जितने पद थे उसके लिए पूरे के पूरे पदों पर यहाँ पे परिणाम हुआ है, किसी को होल्ड नहीं किया गया है। और अगर इसमें देखा जाए तो 9027 जो है वो आपके नागरिक पुलिस वाले हैं, सिविल वाले हैं, प्लाटून कमांडर के 484 हैं और बाकी इसके 23 हैं। टोटल करीबन 12 लाख लोगों में करीबन 8 लाख बच्चे रिटर्न एग्जाम दिए थे। उसके बाद उसमें देखा जाए तो 36,000 लगभग बच्चों को, 36,500 बच्चों को DVPST और रनिंग के लिए बुलाया गया था, दो चरणों में बुलाया गया था और उन सभी का फाइनल रिजल्ट यहाँ पे दे दिया गया है। सबसे बड़ी बात जो देखने वाली यहाँ पे है वो कट ऑफ भी जारी कर दिए और उन बच्चों के भी मार्क्स जारी कर दिए हैं जो कहीं ना कहीं असफल रह गए हैं या उनका चयन नहीं हुआ है, तो वो भी अपने मार्क्स देख सकते हैं कि कितने नंबर से कितने क्या कमी रह गई। और ये देखना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, उसने साफ साफ मेंशन किया है इस पॉइंट में। आप एक बार कट ऑफ देख लो तो ओपन कैटेगरी की 316 नंबर गई है, EWS की 303 गई है, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। OBC की EWS से ज़्यादा गई है, 305 गई है। और यहाँ पे आपका DFF जो कट ऑफ है 259 गया है, इस चीज़ का आप देख लेना। ओपन कैटेगरी में ऐसे एक्स सर्विसमैन का 238 है और आपके अन्य जो दिए हुए हैं SC का जो है वो 279 है और ST का है जो 244 है। टोटल 9534 पद के लिए यहाँ पे दिया गया है। एक चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो फीमेल है उसकी अलग कट ऑफ दिए गए हैं, लेकिन फीमेल को अपनी अपनी कैटेगरी में रखा गया है। यहाँ पे महिलाओं को ओपन कैटेगरी का ओपन में, EWS का EWS में, और ऐसे ओपन कैटेगरी और EWS की महिलाओं का सिंगल कट ऑफ बना है 296 बना है। बाकी वो OBC का जो है वो 285 बना है, SC का जो है वो 257 बना है और ST का जो है 223 बना है क्रमशः फीमेल की कट ऑफ के लिए। तो रिजल्ट आ गया है, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड की वेबसाइट पर अपना रिजल्ट देख सकते हो। अगर किसी कारण से नहीं हुआ तो अपने मार्क्स देख सकते हो। कट ऑफ जारी कर दिया गया, सब कुछ आपके सामने आ गया है। फाइनली उन्होंने सब कुछ कर दिया। अब बात आती है ASI का क्या किया जाए, ASI की टाइपिंग कब होगी। तो जैसा कि हम टीम के द्वारा आपको बताया गया है कि 15 से 20 जून के बाद, और ये खबर भी उतनी सही है, एक तरफ उधर प्रमोशन वाली उनकी टाइपिंग चल रही है, दूसरी तरफ UPSI का रिजल्ट उन्हें फाइनल करना था और पूरी की पूरी टीम इसके रिजल्ट में लगी हुई थी। उनका प्रयास था कि जल्द से जल्द इसको कर दिया जाए क्योंकि बहुत सारे कोर्ट केसेस और ये भी चल रहे हैं, तो भर्ती फंसे ना, इस कारण से उन्होंने क्या किया है, रिजल्ट को जारी कर दिया है। हालांकि UPASI की जो भी मिनिस्ट्रियल वाले हो, जो भी स्टेनो वाले हो, सब लोग अपनी तैयारी करते रहो। आपको 8 से 10 या इस सप्ताह या अगले सप्ताह में आपको टाइपिंग के भी कहीं ना कहीं इन्फॉर्मेशन दी जाएगी और टाइपिंग आपका करा के मुश्किल से 15 से 20 दिन में आपका भी फाइनल रिजल्ट दे दिया जाएगा। ये मैं आपको बताता हूँ, मतलब जुलाई लास्ट तक आप ये मान के चल सकते हो कि आपका फाइनल चयन हो जाएगा। इसके अलावा भी अनेक जानकारी लेके हम फिर हाजिर होंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने मित्रों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद।